नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कृष्ण लीला की कथा लेकर आई हूँ। जब भगवान कृष्ण को राधा जी के पैरों का चरणामृत पीना पड़ा, तो आइए जानते हैं क्यों भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के पैरों का चरणामृत पीना पड़ा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं रची और उनकी लीलाओं को सुनने सुनाने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, पर इस लीला में हम देखेंगे कि यदि सच्ची श्रद्धा, प्रेम, अटूट विश्वास और निष्ठा के साथ यदि पांव को पखार कर जो जल निकलता है वो भी पिया जाए तो वो अमृत बन जाता है और वो हमारी सभी बीमारियों और तकलीफों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो भगवान कृष्ण ने भी चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, जिसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ, जो हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा की याद दिलाती है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और नंदालय में रहते थे, तब वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए। कोई दवा और जड़ी बूटी उन पे असर नहीं कर रही थी। एक बार एक बड़े वैद्य को नंद बाबा लेके आए और उनको दिखाया। अब वैद्य जी जैसे ही गए, सारे गांव की गोपियां आ गई कृष्ण भगवान के यहाँ पे और कृष्ण भगवान से पूछने लगी कि वैद्य जी ने क्या उपाय बताया, क्योंकि जब से कृष्ण भगवान बीमार हुए थे पूरे ब्रज में नीरवता छाई हुई थी। सब दूर उदासी और शांति फैली हुई थी। भगवान कृष्ण कोई लीला नहीं रचते थे, मस्ती नहीं करते थे, तो गोपियों को भी दही मथने में मजा नहीं आता था। उनके सारे सखा जो थे, जो कि उनके साथ गाय चराने जाते थे, उनको भी गाय चराने जाने में जंगल में मजा नहीं आता था, क्योंकि कान्हा जी उनके साथ नहीं होते थे, उनकी मुरली की धुन नहीं होती थी। तो इसलिए सब दूर उदासी और निरवता छाई हुई थी। तो सब चाहते थे कि कान्हा जी जल्दी से ठीक हो जाए। तो जैसे ही वैद्य जी निकले और गोपियां सारी आ गई और कृष्ण भगवान से पूछने लगी कि वैद्य जी ने क्या उपाय बताया, तो कान्हा जी बोले कि वैद्य जी ने जो उपाय बताया वो तो सब करके देख चुके हैं, पर उससे मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। पर मेरे पास एक उपाय है और मेरे को पता है मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो सारी गोपियां आतुरता से बोलती कि बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या उपाय है, हम वो कर दे ताकि पूरा ब्रज वापस से हर्ष और उल्लास से भर जाए, क्योंकि जब तुम वापस ठीक होके और सबके साथ में मस्ती करने लगोगे और गाय चराने जाओगे और माखन चुराओगे, तो वापस सब में हर्ष और हंसी खुशी और उल्लास की लहर दौड़ पड़ेगी। तो सब उनसे कहती कि जल्दी बताओ कान्हा। तो कान्हा जी बोलते हैंगे, स्वयं ही एक गोपियों को एक ऐसा उपाय बताते हैंगे जिसको सुन के गोपियां दुविधा में पड़ जाती हैं। कि कान्हा जी उनसे बोलते हैं, जो मेरे को सबसे अधिक प्रेम करती है मुझे उसके चरण पखार के और जो जल निकलता है वो पिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कान्हा ने तो गोपियों से चरणामृत पिलाने के लिए कह दिया और उनका मानना था कान्हा का कि जो भी उनका परम भक्त है, जो उनसे खूब प्रेम करता है, जो उनकी सबसे ज्यादा चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जल है वो यदि कान्हा को पिला दिया जाए तो कान्हा जी निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। अब कान्हा ने तो अपनी बात समझा दी, लेकिन गोपियों के दूसरी चिंता हो गई। गोपियाँ के लिए कान्हा जी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वे सब कान्हा जी को खूब प्यार करती थी, वे सब कान्हा जी की परम भक्त अपने आप को मानती थी, और इसीलिए उनको ये डर लगने लगा कि यदि ये उपाय निष्फल हो गया तो हम क्या करेंगे। उनके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि यदि हमने किसी गोपी ने अपने पांव धोके और चरणामृत बना भी लिया और कान्हा जी को पिला भी दिया तो हम तो अपना परम भक्त होने का कार्य कर देंगे, पर यदि कान्हा जी ठीक नहीं हुए किसी भी कारण से तो हमारी हंसी भी होगी कि हम कान्हा जी के सबसे परम भक्त नहीं है, और दूसरा नरक भी भोगना पड़ेगा, किसी को अपने पैरों का जल पिलाने पे पाप लगता है और पाप लगने पे नरक भोगना पड़ता है, तो नरक की यातना झेलनी पड़ेगी। तो सभी गोपियां व्याकुल हो रही थी कि कैसे क्या करे, सभी घबरा रही थी कि नरक की यातना कैसे झेलेंगे। तो वो और कृष्ण भगवान की तरफ देख रही थी कि वो कोई और उपाय बता दे तो वो लोग पूरा कर ले। इतने में राधा जी को भी पता चलता है कि कान्हा जी बीमार है, तो राधा जी कान्हा जी से मिलने के लिए आती है। कि अब जैसे ही वो कान्हा जी को बीमार हालत में देखती तो वो बहुत ही बेचैन और व्याकुल हो जाती है, और ऐसी हो जाती है कि मानो उनके तो प्राण ही निकल गए हो।
और व्याकुल होकर, और वो पूछती कि मेरे को उपाय बताओ जिससे कान्हा ठीक हो जाते, तो मैं वो उपाय कर दूं फटाफट। तो गोपियां कान्हा जी द्वारा बताया गया उपाय राधा जी को बताती थी। तो राधा जी जैसे ही वो उपाय सुनती, उनको लगता है एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो वो बिना एक क्षण व्यर्थ गवाए और जल्दी से जाती और पानी लेके आती और अपने पांव धो के और चरणामृत तैयार करके कान्हा जी को पीने के लिए देती थी। अब जो डर गोपियों के मन में था कि कान्हा जी यदि ठीक नहीं हुए तो उनको नरक भोगना पड़ेगा, राधा जी के मन में भी वो डर था, क्योंकि वो भी जानती थी कि जो कार्य वो कर रही है यदि वो उसमें निष्फल हो जाती है तो उनको नरक झेलना पड़ेगा। पर वो फिर भी कान्हा जी को स्वस्थ करने के लिए, उस नरक को झेलने के लिए भी तैयार थी, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि यदि मैंने ये उपाय नहीं किया तो कान्हा जी बिल्कुल ही नहीं ठीक हो पाएंगे, और मैंने उपाय किया और कभी कान्हा जी ठीक हो गए तो कान्हा जी स्वस्थ देख सकती हूँ। इसलिए वो कान्हा जी को चरणामृत, अपने पैरों का जो जल था धोने पे जो जल आया था वो पिला देती थी, और कान्हा जी भी उनके विश्वास का, उनकी निष्ठा का मान रखते हैं और ठीक हो जाते हैं, क्योंकि राधा जी उनसे सच्चा प्यार करती थी, सच्ची निष्ठा थी। तो कान्हा जी भी उनके दिए गए चरणामृत से तुरंत ठीक हो गए। अपने कृष्ण को निरोगी देखने के लिए, स्वस्थ देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी अपने भविष्य की चिंता नहीं की, उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था। तो सच्चा प्यार, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा जो रहती है वो अपने प्रियतम की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार करवा देती है। और कान्हा जी उनके प्रियतम थे और वो राधा जी का मान रखना चाहते थे, इसलिए वो भी तुरंत स्वस्थ हो गए। और इस तरह से राधा जी ने अपने चरणों को प्रखार कर कान्हा जी को वो जल पिलाया जो कि चरणामृत बन गया, यानी चरणों से निकला हुआ जल अमृत बन गया, जिससे कान्हा जी की तबीयत ठीक हो गई। और तभी से हम श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ चरणामृत को ग्रहण करते हैं और अपने दुख और तकलीफों को दूर कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर में रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।